सो हे गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आपको लोन की ज़रूरत है और अब तक कोई लोन नहीं दिया है, तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग के लिए एक नया बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। उस एप्लीकेशन को मैं बहुत दिन से खोज रहा था कि वो एप्लीकेशन कहाँ गया जिससे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। इसलिए दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से परेशान था उस एप्लीकेशन के बारे में ढूंढ कर। वो एप्लीकेशन आ चुका है जिससे आप इंस्टेंटली लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को उसी ऐप के अंदर में लोन का फुल प्रोसेस बताऊंगा कि उसके अंदर में कैसे लोन लिया जाता है। तो दोस्तों, भाई का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर में क्या होता है कि दोस्तों, सिर्फ आपको 2 मिनट लगता है लोन प्रोसेस को, और ये लोन प्रोसेस को 2 मिनट के बाद सिंपली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे कि दोस्तों, इसके अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 से लेकर 3 लाख तक का लोन इजी प्रोसेस को कंप्लीट करके ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें सिविल स्कोर पर है, इसमें सिविल स्कोर जिसका बेस्ट है उसको बेस्ट लोन मिलेगा, जिसका सिविल स्कोर कम है उसको कम लोन मिलेगा। दोस्तों, उसी तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर में अगर आप लोन लेते हैं तो दोस्तों, आपका पास कोई अच्छा एक इनकम होनी चाहिए और दोस्तों, आपका एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आपके पास है तो सिंपली कुछ नहीं करना है। इस एप्लीकेशन में 5 स्टेप को कंप्लीट करना पड़ता है। अगर ये 5 स्टेप को कंप्लीट कर देते हैं तो इंस्टेंटली आपका लोन अप्रूवल होता है और डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने प्ले स्टोर के अंदर में आना है और ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है विथ मनी पर्सनल लोन ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आकर सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ। इंस्टॉल करने के बाद गाइज ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ देख सकते हैं टिक रहेगा, यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। चलिए गाइज, यहाँ पे ऑल परमिशन अलाउ का दे दिया हूँ। अलाउ का परमिशन देने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, विथ मनी में फोन नंबर, एक मोबाइल नंबर डालना है, लॉग इन करना है। जो मोबाइल नंबर डालिएगा उस पर एक OTP आएगा, डाल के इसके अंदर में लॉग इन कर लेना है। सो गाइज, लॉग इन कर लिया हूँ। लॉग इन करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर में आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 50,000 दिखा रहा है और टर्म जो है 91 डेज है। और इंटरेस्ट चार्ज की बात कर लेता हूँ तो 0.05% का यहाँ पर डे का इंटरेस्ट चार्ज लगता है। तो चलिए दोस्तों, सिंपली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। चलिए गाइज, अप्लाई पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 स्टेप को कंप्लीट करना है। पहला ऑथोराइजेशन, दूसरा है लिविंग, तीसरा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चौथा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पांचवा है बैंक का इन्फॉर्मेशन जिस अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑथोराइजेशन पे क्लिक कर लेना है। ऑथोराइजेशन में क्लिक करने के बाद सिंपली गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, आधार कार्ड का यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर पैन का है, पैन कार्ड का सबसे आगे का ऊपर वाला का फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देना है। सेकंड में है आधार कार्ड का फ्रंट, यानी कि आधार कार्ड के आगे का जो होता है फोटो, वो आगे का फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद जस्ट आधार कार्ड के पीछे का जो फोटो होता है उसको वहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। ये 3 डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सेकेंड है यहाँ पे लिविंग, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस पर क्लिक करने के बाद जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका वहाँ पे लिविंग यानी कि उसका फेस, वीडियो कॉल उसका फेस, सामने फोन रखना है, उसका फेस वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड होने के बाद तीसरा स्टेप आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे आपको अपने पूरी जानकारी देना है, अपना नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, पैन नंबर मांगेगा पैन नंबर डाल देना है, घर का एड्रेस मांगेगा घर का एड्रेस डाल देना है, फादर का नाम मांगेगा फादर का नाम फिलअप कर देना है, उसी तरीका से मोबाइल नंबर मांगेगा मोबाइल नंबर दे देना है, उसी तरीका से आपको ईमेल आईडी मांगेगा ईमेल आईडी इंटर कर देना है, जो चीज़ आपसे मांगेगा वही चीज़ सही तरीका से यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अगर जो समझ में आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आप लोग को बताऊँगा।
तो ये आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद चौथा स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, किसी किसी ऐप में होता है क्या है, किसी किसी ऐप में दो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेता है, किसी किसी में तीन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि इसमें अगर दो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेता है तो उसका नाम डालना है, उसका एक मोबाइल नंबर डालना है, और जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका जो रिलेशनशिप में क्या लगता है, जैसे फादर है, मदर है, दोस्त है, या कौन लगता है, कॉलेज फ्रेंड है, क्या लगता है, वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरीका से सेकेंड वाले में भी उसका नाम, मोबाइल नंबर और रिलेशनशिप में क्या लगता है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये चौथा स्टेप जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे बैंक कार्ड इन्फॉर्मेशन, जिस अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं, जो आपके पास एक्टिव अकाउंट है उस एक्टिव अकाउंट का यहाँ पे IFSC कोड देना है, अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स अगर आप सही तरीका से फिलअप करते हैं, सही तरीका से अप्लाई करते हैं और आसान तरीका से यहाँ टिक कर देना है और फिल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फिल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हैं कुछ देर आपका अंदर रिव्यू में जाएगा, कुछ देर आपको वेट कर लेना है, और कुछ देर वेट करने के बाद सिंपली आपका जैसे अगर आपका अप्रूवल होता है तो जो ईमेल आईडी आप दीजिएगा उस पर मेल आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर दीजिएगा उस पर एक मैसेज आ जाएगा। इससे आपको पता हो जाएगा कि मेरा लोन अप्रूवल हो गया है, मुझे अब मिलने वाला है, या बैंक अकाउंट में जाकर चेक भी कर लेना है कि क्या मुझे लोन रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ है। तो ये एक नया एप्लीकेशन है जो मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, जो इसके अंदर में आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके आसान तरीका से लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। और इसके अंदर में जब भी आप लोन अप्लाई करोगे तो भैया आपको करना क्या है, पर कर जैसे अगर आप नाम लिखा है तो नाम में ही लिखना है, डेट ऑफ बर्थ मांगा डेट ऑफ बर्थ ही देना है। उसी तरीका से जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको बोलता है फिलअप करने के लिए वही आपको फिलअप करना है। जैसे आपसे पूछेगा कि शादी हुआ या नहीं हुआ, मैरिड स्टेटस में आप क्या है, सिंगल है या मैरिड है, ये क्या है, वो आपको वहाँ पे पूछेगा। उसी तरीका से आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन भी पूछ सकता है कि क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जैसे मैट्रिक पास है, इंटर पास है, बीए पास है, या अनपढ़ है, यानी कि कुछ पढ़े लिखा नहीं है, वो सब आपको वहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे कि आप मुझे लोन नहीं मिल रहा है, मेरे कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर में मैं लोन अप्लाई करके ले सकता हूँ, तो दोस्तों आप लोग के लिए एक नया एप्लीकेशन यही लाया था जिसका नाम है विथ मनी। विथ मनी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर में रात के समय, दिन के समय, किसी टाइम में भी लोन अप्लाई करके ले सकते हैं, बशर्ते आपका सिविल स्कोर मस्त होनी चाहिए, विल बी मस्त। आपका सिविल स्कोर अगर मस्त है तो कोई भी ऐप, कोई भी कंपनी आपको खुशी से लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो आइए दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर में अप्लाई कीजिए और मजे लीजिए और इंस्टेंटली आप लोन पाइए। और काफ़ी दिनों से परेशान थे तो इस एप्लीकेशन को एक बार यूज करके देखिए और लाभ लेके देखिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर में लोन किस तरीका से अप्लाई करके लिया जाता है। तो इसी स्टेप को कंप्लीट करके लोन आप पा सकते हैं। तो जल्दी से भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और उसके साथ साथ फिर नए कोई लोन पा सकते हैं।